इसी में कश्मीर का जिक्र। भारत ने जताया ऐतराज, ओआईसी को दी चेतावनी, समेत दूर रहे जम्मू कश्मीर से। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लंबे समय से चलता रहा है और दूरियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच पाकिस्तान कुछ न कुछ ऐसा कर ही देता है जिससे दरारें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाल ही में ओआईसी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर का कुछ ऐसा जिक्र हुआ कि भारत ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। ओआईसी में जम्मू कश्मीर का जिक्र। नाइजर की राजधानी नियामी में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी ने मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक की समाप्ति पर सर्वसम्मति से लाए गए प्रस्ताव में कश्मीर के लिए अपना मजबूत और अस्पष्ट समर्थन दोहराया है। शनिवार को खत्म हुए दो दिवसीय बैठक में 57 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान ओआईसी ने मुस्लिम दुनिया के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान भारत प्रशासित कश्मीर की स्थिति ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद के लिए ध्यान केंद्रित करने के सत्र के मुख्य बिंदुओं में से एक थी। प्रस्ताव में ओआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के साथ अपने संबंधों का मूल्यांकन करने और कश्मीर के लोगों को किसी भी शांति प्रक्रिया वार्ता में शामिल करने का आग्रह किया। ओआईसी ने जोर दिया कि क्षेत्रीय विवाद विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार प्रदान करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 7 दशकों के एजेंडे पर अनसुलझा है। भारत ने जताई नाराजगी। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की तरफ से कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है। इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों पर ओआईसी को बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ओआईसी प्रस्ताव में कश्मीर को लेकर किया गया उल्लेख तथ्यहीन और अवांछित है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। भविष्य में ओआईसी को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। भारत ने ओआईसी को इस तरह के प्रस्ताव से परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही भारत ने इसे अफसोसजनक बताया। वहीं पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए भारत ने कहा है कि ओआईसी के मंच पर एक देश भेजा इस्तेमाल कर रहा है, ये खेदजनक है। संगठन खुद को एक देश के जरिए इस्तेमाल होने की इजाजत देता है जिसका धार्मिक असहनीयतु कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर काफी बुरा रिकॉर्ड रहा है। क्या है ओआईसी? दुनिया में कई देशों का एक संगठन है जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। ये देशों का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें कुल 195 देश हैं। इस संगठन के बाद दूसरे नंबर पर देशों का जो सबसे बड़ा संगठन है उसका नाम है ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ये बना था 1969 में और इसके बनने की कहानी के पीछे आग लगने की एक घटना है। 21 अगस्त 1669 को जेरूशलम की अल अक्सा मस्जिद में आग लग गई थी जिसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को बैठक करने के लिए बुलाया गया। 25 सितंबर 1969 को एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई जो मोरक्को के रबत में आयोजित की गई। उस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में कुल 24 देशों ने हिस्सा लिया। इसमें से अधिकांश ऐसे थे जो अपने देश के प्रमुख थे। 6 महीने बाद मार्च 1970 में सऊदी अरब के जेदा में इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई। इसके बाद 1972 में इस संगठन की नींव पड़ी और इसका मुख्यालय हुआ सऊदी अरब का जेदा। फिलहाल इस संगठन में कुल 57 देश शामिल हैं जिनकी आबादी करीब 180 करोड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिख ग्रुप।